हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए रिवॉल्ट की RV 400, जो कि सच में कमाल की बाइक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी चाबी से। आप इसकी चाबी देखोगे और चाबी का लुक आप देख सकते हो, कितना अमेजिंग लुक है। जैसे एक कार की होती है ना, वैसी एक की है। यहाँ पे एक और की दे रखी है जो कि हैंडल लॉक करने के लिए काम आती है। इसकी जो बैटरी का ऑप्शन है वो खोलने काम आती है। इसकी जो सीट है वो खोलने काम आती है। लेकिन अगर नॉर्मल की देखोगे ना, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का, गाड़ी स्टार्ट करने का, इवन यहाँ पे आपको अगर कहीं गाड़ी आपकी खड़ी है तो वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन का जो साइन है उस पर क्लिक करके। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं ऑन। ऑन करने के लिए हम यहाँ से इस बटन को प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही गाड़ी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे पावर बटन को ऑन करते ही गाड़ी पूरी तरीके से ऑन हो जाएगी, राइडिंग मोड पे आ जाएगी। ऑन कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर पे आके इधर आ जाओ। ये जो मीटर पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो गाड़ी ऑन हो चुकी है। मैंने कोई बटन का यूज नहीं किया और साथ में यहाँ पे एक पावर बटन भी मिलता है। अगर आपके पास मतलब की आपकी जेब में है, आपको नहीं निकालनी है बाहर, तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू और मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताता हूँ विथ प्राइस, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप एक ईवी देख लेना चाहते हो, ईवी बाइक के अंदर जाना चाहते हो, तो क्या RV 400 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। अब शुरुआत करते हैं इसके लुक्स से, और लुक्स के अंदर हम सबसे पहले आते हैं स्टार्ट पे ही। तो स्टार्ट के अंदर यहाँ पे जो DRL लाइट दे रखी है और यहाँ पे जो LED लाइट दे रखी है, इसका लुक सच में कमाल आता है। यहाँ पे रिवॉल्ट की ब्रांडिंग जो कि सच में एक अमेजिंग लुक देती है। यहाँ पे रिवॉल्ट का लोगो नजर आ जाता है और बाकी आप मरगार्ड देखोगे तो एक स्पोर्ट बाइक का लुक इसमें आता है। हालांकि स्पोर्ट बाइक ये नहीं कह सकते कि यार हम हैवी स्पोर्ट बाइक है, एक नॉर्मल बेसिक स्पोर्ट बाइक होती है ना, उस तरीके का लुक है। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखो, तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल आप दिखाओ इनको, तो साइड प्रोफाइल में आप देखो यहाँ पे रिवॉल्ट की ब्रांडिंग हो रखी है, यहाँ पे रिवॉल्ट का लोगो है, और साइड प्रोफाइल में मतलब ये पूरा पैक है जहाँ पे इनका बैटरी कैपेसिटी लगी हुई है और मोटर लगी हुई है। और बाकी आप बैक साइड देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंगल सोकर नजर आता है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है स्पोर्ट्स बाइक के अंदर। सिंगल सोकर से आते हैं, चाहे आप KTM ड्यूक ले लो या फिर आप कोई दूसरी स्पोर्ट्स बाइक ले लो पेट्रोल व्हीकल में, उनके अंदर भी आपको बैक साइड में सिंगल सोकर ही मिलता है। फ्रंट में आपको डबल सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि सच में एक अच्छा रहता है। आप नॉर्मली जब आप जाते हो तो आपको धचके नहीं आते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आते हैं इसके बैक साइड के लुक पे। तो आप इसका बैक साइड से लुक देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो बैक साइड से भी एज मतलब एक स्पोर्टी लुक ही आता है। यहाँ पे जो आप इसके इंडिकेटर दिए गए हैं, ये इंडिकेटर आपको मैं कहता हूँ कि आपको मतलब एक तुक्का लग चुका होगा कि कौन सी पेट्रोल व्हीकल में आता है। जैसा कि आपको पता है KTM ड्यूक, उसके अंदर इसी तरीके के इंडिकेटर्स आते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है मतलब। और इस साइड वाली आप साइड प्रोफाइल देखोगे ना, तो यहाँ पे पूरी साइड प्रोफाइल में आपको पूरा सेट पैक मिलता है। और इस साइड भी यहाँ पर रिवॉल्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पर रिवॉल्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पर रिवॉल्ट की ब्रांडिंग है। टाइम है इसके स्पेसिफिकेशंस में, इसकी मोटर पावर, इसकी बैटरी कैपेसिटी, इसकी रेंज और इसका चार्जिंग टाइम कितना लगता है, ये सब जानने का। तो सबसे पहले मोटर पावर की बात करें, तो इसकी मोटर पावर जो है वो 3000 वॉट की है, मतलब और मैक्सिमम पावर भी 3000 वॉट की है। हालांकि पिकअप इसका बेहतर है, अभी मैंने चला के देखी है, मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ वीडियोस क्लिप चला दूंगा। तो मैक्सिमम पावर की बात करें तो मतलब जो टॉर्क है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो इसकी बैटरी कैपेसिटी है 3.24 किलोवाट की। यहाँ चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 4.5 आवर की, लेकिन बैटरी के अंदर एक खासियत आपको बताता हूँ, इसकी बैटरी जो है यहाँ से रिमूवेबल है। अगर आप मान लो किसी थर्ड फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, आप फ्लैट्स में रहते हो, आपको रिवॉल्ट पसंद आ रही है, तो आप ये ले जाके चार्ज भी कर सकते हो इसकी बैटरी को, ये एक अच्छा फीचर है। बाकी चार्जिंग आप डायरेक्ट इस पर भी लगा सकते हो, मतलब गाड़ी को डायरेक्ट चार्ज भी लगा सकते हो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो, या फिर आपका खुद का घर है मतलब फ्लैट में नहीं रहते हो, तो भी आप इसको ईजिली चार्ज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन तो इसमें अवेलेबल है ही। नेक्स्ट लेते हैं इसकी रेंज कितनी है। देखो कंपनी क्लेम कर रही है 80 से 150 तक, मतलब 80 इसका जो टॉप मोड है उसके ऊपर और 150 इसका जो सबसे नॉर्मल इको मोड है उसके ऊपर। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊँ ना, जिन जो ये चला रहे हैं, मेरी खुद की बाइक नहीं है ये, लेकिन जिनसे मैंने ली है उनसे मैंने उनका रिव्यू मांगा था, तो वो कह रहे थे कि ये गाड़ी जो है ना, अगर नॉर्मल एक फिक्स स्पीड पर चलाते हैं तो 110-120 तक ही जाती है, 150 जो कंपनी क्लेम कर रही है उतना नहीं पहुँच रही है। और इसे टॉप गियर की बात करें या फिर थर्ड मोड स्पोर्ट मोड की बात करें, तो स्पोर्ट मोड में जो इसकी रेंज आ रही है वो आ रही है 60 के अराउंड। अब इसकी स्पीड भी देखते हैं कि यार इसकी किस किस मोड पे कितनी कितनी स्पीड है। जैसे फर्स्ट गियर मोड की अगर स्पीड देखना चाहोगे ना आप, आपको मैं शॉर्ट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, जो आप चैनल पे आके देख लेना, सारे शॉर्ट्स अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने तीन सारे मोड के अंदर इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करी है। तो फर्स्ट मोड की इसकी टॉप स्पीड जो आती है वो आती है 40 to 43, सेकेंड मोड जो है उसके अंदर इसकी टॉप स्पीड आती है 60 to 65, और इसका थर्ड मोड जो है वहाँ पर इसकी टॉप स्पीड आती है 71, 72 या 73, इससे ज़्यादा नहीं जा रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत देर तक लॉन्ग रन करके भी देखा कि यार इससे टॉप होती है नहीं होती है, तो वो नहीं हो रही है, जबकि कंपनी क्लेम कर रही है 85। तो यहाँ से जो 85 कंपनी क्लेम कर रही है उससे तो सीधा सीधा 10 किलोमीटर डायरेक्ट कम हो चुका है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि बैटरी कम चार्ज हो, मैं आपको दिखाता हूँ इधर आओ, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसकी 88% बैटरी चार्ज है,
उसके बावजूद मतलब मेरे को जो कंपनी क्लेम कर रही है 85 की स्पीड वो नहीं मिल रही है, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अखड़ता है कि यार बाइक होने के बाद भी इतनी कम स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड तो ओला के अंदर ही है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो है इसके टायर्स। आपको मैं एक बार टायर्स की ओवरव्यू देता हूँ, आप इधर आ जाओ, यहाँ से दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो टायर है आप देख सकते हो 17 इंच का इसका टायर मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। और इसके डिस्क ब्रेक मैंने चेक कर रहे हैं अभी, मतलब डिस्क ब्रेक अच्छे काम कर रहे थे, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज अब टाइम है इसकी प्राइस का। तो इसकी जो प्राइस है रिवॉल्ट RV 400 की, यहाँ पे अजमेर में भी अवेलेबल नहीं है, जयपुर से ही जाके लेनी पड़ती है अगर आप राजस्थान में रहते हो तो। जयपुर के अंदर इसकी जो प्राइस है वो है 1,30,000 रुपये एक्स शोरूम, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो सब कुछ मिलाकर ये लगभग 1,45,000 रुपये के आसपास पड़ती है। सब्सिडी अगर हम काट दें तो 1,35,000 से 1,40,000 रुपये के आसपास ही आपको पड़ने वाली है फाइनली, जितने भी हिडन चार्जेस है उनको भी इंक्लूड कर दो तो। अब मैं आपको इसके जो फीचर्स है थोड़े से वो बताता हूँ। जैसे जो स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें जो स्मार्ट फीचर्स है आपको नेविगेशन मिल जाता है, यहाँ पर टच डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बाकी आपको कीज़ जो है ना वो कीज़ की सच में अमेजिंग है। अब थोड़ा सा आपको मैं हाइट का आइडिया दे देता हूँ। जैसे मेरी हाइट जो है 5.8 इंच है और अभी मैं यहाँ पे अगर गाड़ी को ऑन करूँ तो गाड़ी को ऑन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरे पैर आराम से आ रहे हैं यहाँ पे और ईजिली काफ़ी कम्फर्टेबल है। गाड़ी को ऑन भी कर लेते हैं एक बार अपन, और यहाँ पर आपको मैं चला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, मतलब हाइट के हिसाब से अच्छी है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो लुक्स आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरी डिटेलिंग आपको समझ में आ चुकी होगी और अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि आपको कैसे डिसाइड करना है। अगर आपको एक बाइक में लेना है तो बाइक के अंदर सबसे बेस्ट RV 400 है अभी के टाइम में, क्योंकि मतलब एक तो काफ़ी टाइम पुरानी गाड़ी है, इसकी जो खास फीचर है यार वो तो मैं बताना भूल ही गया, जो कि इसकी वारंटी है। आपको इसके अंदर 8 साल की वारंटी मिलती है, जबकि किसी भी और EV के अंदर आपको 8 साल वारंटी नहीं मिलती। हालांकि 5 साल की वारंटी इसकी मोटर की है, लेकिन बैटरी की वारंटी जो है ना वो 8 साल की है, जो कि सच में लाजवाब है। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताना, बाकी सारी EVs को भी मतलब इतनी वारंटी देनी चाहिए या नहीं, और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।